One name that can change your life. एक नाम है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक नाम है जो आपकी जिंदगी से नाकामियों को खत्म कर सकता है, एक नाम है जो आपकी जिंदगी में खुशहाली ला सकता है, एक नाम है जो आपकी जिंदगी से सारे बैरियर्स को, सारी तकलीफों को, दुखों को, दर्दों को खत्म कर सकता है, वो नाम है यीशु नाम। और यीशु नाम के बारे में आप सीखेंगे, आज यीशु नाम के बारे में हम देखेंगे कि यीशु नाम हमारे लिए कितना कवि और कादर नाम है, और यीशु नाम हमारी जिंदगियों को कैसे चेंज कर सकता है। हम हर रोज शाम, इवनिंग में, यानी कि 24 आवर हम यीशु के बारे में देखते रहते हैं, यीशु के बारे में पढ़ते रहते हैं, यीशु के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन हमारी लाइफ वही की वही रहती है। हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, हमारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता, हम उसी जगह पर रहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा फोकस यीशु पर नहीं होता। मत्ती की इंजील में चलेंगे, उसके पहले बाप और उसकी 19 आयत में आएंगे, और वहां बड़ी खूबसूरत बात की हुई है, और वहां लिखा है उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हम उस नाम के बारे में जानेंगे कि वो कौन सा नाम है जो आपको निजात दे सकता है। हम उस नाम के बारे में जानेंगे वो कौन सा नाम है जो आपके गुनाह को खत्म कर सकता है। हम उस नाम के बारे में जानेंगे वो कौन सा नाम है जो आपके दुख को खत्म कर सकता है। और जब बाइबल कदस को हम पढ़ते हैं, जब मत्ती की इंजील में आते हैं, और मत्ती की इंजील में मत्ती रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहता है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यीशु नाम में रहाई पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यीशु नाम में मदद से पाई जाती है। और ये नाम कोई जमीनी नाम नहीं, ये नाम आसमानी है, ये आसमान से आया है। और फरिश्ते ने आकर यूसुफ से कहा तो उसका नाम क्या रखना जी? यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अगर हम इस बात को देखें, जब हम ओल्ड टेस्टामेंट को देखते हैं, तो ओल्ड टेस्टामेंट में ये था, जब आप गुनाह करते थे तो आपको गुनाह के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती थी, और वो आपके गुनाह दब जाते थे, आपको मुकम्मल तौर पर रहाई नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं और इस वर्स को पढ़ते हैं, तो ये वर्स हमारे लिए बड़ी भाई से बरकत है, और यहाँ लिखा है उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, और वही अपने लोगों को, किनको? अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु नाम इसीलिए आया कि हम निजात पाएं, यीशु नाम इसीलिए आया कि हम मुक्ति पाएं। आज अगर अपनी जिंदगी को देखा जाए तो हमारी जिंदगी बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों के अंदर फंसी हुई है। हम यीशु के नाम से कहलाते तो हैं, लेकिन यीशु नाम हमारी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आता। अगर हम देखें बहुत सारे लोग जो गैर कुआम से होते हैं, वो यीशु नाम के पास आते हैं, यीशु नाम से वो शिफा पा जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी तमसील कनानी औरत की है। क्या हुआ? वो यीशु के पास आती है और अपनी बेटी की शिफा लेके जाती है कि नहीं लेके जाती जी? चर्च जोर से बोले जी, नाश्ता नहीं करके आए, चर्च का टाइम चेंज हो गया, इसलिए वो क्या करती है? शिफा लेके जाती है, और उसके लिए यीशु मसीह बड़े ही सख्त भी कहते हैं, लेकिन वो सारे सख्त लफ्जों का क्या करती है? मुकाबला करती है, और वो कहती है कि यीशु जी जो भी हो जाए शिफा तुहाडे को लेके जानी है, और वो अपनी बेटी की शिफा लेकर जाती है। हम जो यीशु के नाम से कहलाते हैं, हम जो यीशु के लोग हैं, क्या हमारे अंदर ये बात होती है?
कि हमारे ईमान के अंदर ये बात होती है, हमारे अंदर क्या होती है, अगर हमारे जिंदगी में कोई दुख आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, तो हम क्या करते हैं, हम इधर उधर भागते हैं और क्या कहते हैं, इनको भी तो खुदा ने बनाया है, ये भी खुदा के लोग हैं, हम क्या कहते हैं कि इनके वसीला से हमें शिफा मिल जाएगी, हमें इनके वसीला से शिफा लेने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें यीशु के वसीला से शिफा लेने की जरूरत है। हमारा तो यीशु ने डायरेक्ट लिंक कर दिया है। अगर एक शख्स का डायरेक्ट लिंक यीशु के साथ है, उसकी डायरेक्ट बात यीशु के साथ है, तो उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, किसी और से कहने की जरूरत नहीं है। बाइबल क्या कहती है, उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम इसलिए आया कि आप अपने गुनाहों से रहाई पाएं। यीशु नाम इसलिए आया कि आप अपने दुखों से रहाई पाएं। यीशु नाम इसलिए आया कि आप अपनी तकलीफों से रहाई पाएं। और यहाँ मत्ती रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहता है, उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम एक कुदरत वाला नाम है, और ईमान की किताब में लिखा है किसी और दूसरे के वसीला से निजात नहीं, किसी और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, किसी और दूसरे के वसीला से निजात नहीं, निजात शिफा मखलसी रहाई एक ही नाम है, और वो मेरा और आपका यीशु नाम है। हम सुनते सुनते बूढ़े हो गए हैं कि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, हम सुनते सुनते हमारी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं कि यीशु नाम ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम अपने उन आबोजदाद की, हम अपने फोर फादर्स की इन बातों को छोड़ते नहीं। हम कहते हैं हमारे बाप दादा ने ऐसा किया तो वैसे हो गया। हमें यीशु को फॉलो करने की जरूरत है, हमें यीशु के पीछे चलने की जरूरत है, और जब हम यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु के नाम को देखेंगे, और यहाँ क्या लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। और यीशु मसीह कौन है, वो ये जिंदा कलाम है। जब हम यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और उसका जलाल हमने ऐसे देखा जैसे बाप के इकलौते का। और जब हमारी जिंदगियां यीशु नाम से तो कहलाती हैं, हम यीशु नाम को तो जानते हैं, लेकिन यीशु नाम से हमारी वाकफियत ही ना हो, हम बाइबल ही ना पढ़ते हो, हम बाइबल की तरफ तवज्जो ही ना देते हो, तो फिर हम यीशु नाम से कैसे निजात और शिफा पा सकते हैं। हम संडे टू संडे चर्च आके कलाम सुनते हैं, और जब 2 या 2.5 घंटे की जो सर्विस होती है और उसमें कलाम सुन के फिर हम घरों को चले जाते हैं, और क्या होता है कि भाजी टैक्स हमने कर दिया। लेकिन हमें बाइबल पढ़ने की भी जरूरत है। बाइबल में क्या लिखा है, कलाम मुझे सुनवा और उसका जलाल हमने ऐसे देखा जैसे बाप के इकलौते का। और बाप का इकलौता कौन है जी, यीशु मसीह। और यीशु मसीह से हमारी वाकफियत भी है, हम यीशु को जानते भी हैं, हम यीशु को मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी के अंदर नाकामी है, फिर भी हमारी जिंदगी के अंदर दुख है, फिर भी हमारी जिंदगी के अंदर परेशानी है। वजह यह है कि हमने पूरे तौर पर अपना दिल जो है वो यीशु के ताबे नहीं किया। और इसकी खूबसूरत एग्जांपल दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। और इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो यहां भी लिखा है कि गुनाहों से निजात एक ही नाम दे सकता है, वो यीशु नाम है। और जब आपके दिल के अंदर यीशु होगा, जब आपकी जिंदगी के अंदर कलाम होगा, जब आपकी जिंदगी कलाम के ऊपर चल रही होगी, और जब आप खुदा के कलाम को फॉलो कर रहे होंगे, तो फिर आपकी जिंदगी भाई से बरकत बन जाएगी, फिर आपकी जिंदगी पावरफुल जिंदगी बन जाएगी, फिर आपकी जिंदगी के अंदर से नाकामियां खत्म हो जाएंगी। और वो एक नाम जब आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएगा, वन नेम दैट कैन चेंज योर लाइफ, और वो यीशु नाम है, वो यीशु नाम है। और जब यीशु नाम आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएगा प्योरिटी के साथ, जब आप मुसम्मम अराते के साथ यीशु नाम के ऊपर चलेंगे, यीशु नाम आपकी जिंदगी के अंदर होगा, तो आपकी जिंदगी यकसो तौर पर बदल जाएगी।
अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब पहले जैसी आपकी जिंदगी नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी में से दुख चले जाएगा, आपकी जिंदगी में से परेशानी चले जाएगी, आपके घुटनों का दर्द चला जाएगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर चला जाएगा, आपका माइग्रेन है, आपके सर दर्द है, किसी किस्म की डिजीज है, खुदा के लिए कोई मसला नहीं, आपकी सारी डिजीजेस चली जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी, क्यों? जब यीशु नाम आपकी जिंदगी के अंदर होगा, जब आप यीशु नाम के अंदर पिन्हा हो जाएंगे, जब आप यीशु नाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले लेंगे। आज मसला क्या है, हम यीशु नाम को अपनी जिंदगी के साथ लेते नहीं, आज हम अपने नाम के साथ मसीह का नाम जोड़ना तो पसंद करते हैं, लेकिन मसीह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होता, फिर मसीह की बातें हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होती, और जब मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएगा तो जिंदगियां भाई से बेहतर बन जाएंगी। उस औरत को देखें जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, और जब मैं मर्ग की अंजील में इस वाक्य को पढ़ रहा था, मर्ग उसका 5 बाप उसकी 28 साल को देख रहा था, तो वहां लिखे कि वो अपना सारा माल जो है तो बिल्कुल पर लुटा चुकी थी, उसने अपना सारा माल जो भी कुछ उसके पास था उसने सारा कुछ कॉलेज को दे दिया, डॉक्टर्स को दे दिया, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों से उसने सुना होगा कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें दे देता है, यीशु मसीह कोढ़ियों को पाक कर देता है, यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया, यीशु मसीह ने वैसा कर दिया, और इस औरत की जिंदगी के अंदर एक बड़ा ईमान जोश मार रहा था, और इसकी जिंदगी में ये बात आ गई कि मैं उसकी पेशाब का कोना ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। और आज क्या होता है, बहुत सारे लोगों की ये डिजायर होती है कि पादरी साहब स्पेशली मेरे लिए दुआ करेंगे तो मैं तभी ठीक हूंगा, लेकिन अगर आपके अंदर ये वाला ईमान आ जाए कि मैं उसकी पेशाब का कोना ही छू लूं तो मैं शिफा पा जाऊंगा, आप कहेंगे मैं अपने बिस्तर पर लेटे ही अगर मेरे सर दर्द है, अगर मेरी मुश्किल है, अगर मेरी परेशानी है, अगर मेरी तकलीफ है, कुछ भी है, मैं यीशु नाम लूंगा तो मैं यीशु नाम से निजात पा जाऊंगा, मैं यीशु नाम लूंगा तो मैं मुक्ति पा जाऊंगा, मैं यीशु नाम लूंगा तो मैं रहाई पा जाऊंगा, तो आप उसी वक्त रहाई पा जाएंगे क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर यीशु नाम है, और यीशु नाम जब आप लेंगे तो यीशु नाम के नाम से आप शिफा पा जाएंगे। कैसे होगा जब आपकी जिंदगी के अंदर ईमान होगा, कैसे होगा जब आपकी जिंदगी उस ईमान के अंदर खड़ी हो जाएगी। ईमान की डेफिनेशन क्या है, इब्रानियों को जब हम देखते हैं तो इब्रानियों में क्या लिखा है कि ईमान अंधे की चीजों का सबूत है। हम क्या कहते हैं कि कुछ होगा तो फिर हम कुछ करेंगे, हमारी जिंदगी के अंदर ईमान वही का वही रहता है, हम बिलीव नहीं करते। जब आप यीशु का नाम लें तो आप मुकम्मल तौर पर बिलीव करें, आप मुकम्मल तौर पर भरोसा रखें, आप मुकम्मल तौर पर तवक्कुल रखें। जब आप मुकम्मल तौर पर बिलीव के साथ कहेंगे कि यीशु नाम से अभी और इसी वक्त ये सारा दुख, ये सारी मुश्किल, ये सारी परेशानी जाती रहेगी, तो यीशु नाम से वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कैसे होगा बिलीव, हमने यीशु नाम पे बिलीव करना है। हम तारा मसीह, प्यारा मसीह तो होते हैं, लेकिन मसीह हमारी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आता, और मसीह की क्वालिटीज हमारी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आती, मसीह की सिफात हमारी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आती। इस औरत के ईमान को देखें, इसने क्या कहा कि मैं उसकी पेशाब का कोना ही छू लूं तो मैं शिफा पा जाऊंगी। कितना बड़ा ईमान है, किस कदर इसका ग्रेट फेथ है। कहती है कि मैं उसकी पेशाब का कोना ही छू, और इसके लिए उसने पता नहीं कितनी एफर्ट्स की हो। ये बीमार औरत है और ये लाचार है, ये मुश्किल में है, ये परेशानी में है, और बीमारी में इससे चला भी नहीं जाता होगा, इसकी बहुत बैड कंडीशन है। और जब यीशु मसीह जहां भी जाते थे एक बड़ी भीड़ उनके साथ होती थी, उनको चारों तरफ से भीड़ ने घेरा होता था, और उस भीड़ के अंदर इसने एफर्ट की है, इसने कोशिश की है, और इसने कोशिश करके यीशु मसीह की पेशाब का कोना छू लिया है,
और उसी वक्त जब यीशु ने कहा है किसने मुझे छुआ है, किसने मुझे टच किया है, और ये थरथराती कांति यीशु के सामने आती है कि मैंने ये कोशिश की है, और यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हम जब मुश्किल में होते हैं, हम जब बीमारी में होते हैं, जब हमारे से चला भी नहीं जाता, हम हिल भी नहीं सकते, तो क्या हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं? हाँ जी चर्च, जब आप बीमार हो, अगर आपसे कहा जाए आप बहुत बीमार हैं, आप बहुत मुश्किल में हैं, परेशानी में, आपसे कहा जाए दुआ करो, आप दुआ करेंगे? हाँ जी, इस कोशिश को तो रहने दें, इसको बाद में देखते हैं कि आप दुआ करेंगे नहीं। बहुत मुश्किल हो जाता है, इसकी जिंदगी को देखें, नाकाम इस कदर इसकी नाकामी इसकी जिंदगी के अंदर है कि इसने अपना सब कुछ तबीबों को लुटा दिया है। इसके पास अब दवाई लेने के पैसे नहीं है, इसके पास हो सकता है रहने को घर भी ना हो, इसका घर भी बिक चुका है, इसके पास कुछ भी नहीं है, और ये बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशानी में है, और हो सकता है इसके पास खाने को भी ना हो, लेकिन फिर भी ये कोशिश करती है और क्या कहती है कि मैं उसकी पोशाक का कोना ही छू लूं तो मैं छुपा पा जाऊं। इस कदर बड़ा ईमान, और जब यीशु मसीह की शख्सियत को देखा जाए, यीशु मसीह को देखा जाए, यीशु मसीह जहां जाते थे वहीं एक क्रूसिफिक्स होता था, बहुत लोग उनके साथ होते थे, और ये सारी भीड़ में से कोशिश करती करती यीशु के पास जाती है और यीशु की पोशाक का कोना छूकर शिफा पा जाती है। क्या हमारा ऐसा ईमान है? क्या हमारी जिंदगी में जब मुश्किल आती है, बीमारी आती है, जब हम बिल्कुल अपनी जिंदगी को समझते कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, क्या हम उस वक्त इस तरह का बड़ा ईमान ले सकते हैं? ईमान की डेफिनेशन क्या है? इब्रानियों 11:1 का क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत, जो चीज आपने देखी नहीं लेकिन आपने बिलीव करना है, जो चीज आपने देखी नहीं आपने उसका यकीन करना है, जो चीज आपने देखी नहीं आपने उसका तवक्कुल करना है, आपने उस पर भरोसा रखना है कि ये चीज है और यीशु नाम से आपके लिए वैसा हो जाएगा, और जब आप बिलीव करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी वाइस बेटर बन जाएगी। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम जो है ये आसमानी नाम है, यीशु नाम जो है ये पावरफुल नेम है, और जब यीशु नाम लिया जाता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं और जिंदगियां निजात पाती हैं, रहाई पाती हैं, मुक्ति पाती हैं। हम जब देखते हैं जब यीशु मसीह कश्ती में होते हैं और कश्ती यीशु मसीह वहां प्रीच करने के बाद शिष्यों को कहते हैं आओ हम पार चलें, और जब यीशु मसीह पार जा रहे होते हैं और झील में जा रहे होते हैं, एक यीशु मसीह की कश्ती नहीं होती, उधर और भी बहुत सारी कश्तियां होती हैं, बहुत सारे लोग इस गर्ज के साथ कि हम यीशु के साथ जाएंगे और यीशु मसीह हमारी इस मुश्किल से, इस बीमारी से हमें रिहाई दे देगा, और यीशु मसीह कश्ती में जा रहे होते हैं और यीशु मसीह कश्ती में सो जाते हैं, और क्या होता है झील के अंदर बहुत बड़ा तूफान आता है और कश्ती जो है लहरों से टकमगाती है, बहुत क्या कहना चाहिए बैड कंडीशन हो जाती है, लेकिन शिगेत क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने ही एफर्ट्स करते रहते हैं, अपने ही कोशिश करते हैं। शिगेतों ने भी बड़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से इस तूफान से हम निकल जाएं, क्यों? क्योंकि शिगेत मोस्टली क्या थे, वो माहिगीर थे, वो मौसम से बाकू भी वाकिफ थे, उन्हें पता था कि हमने तूफान से कैसे निपटना है और वो सारी बातों को जानते हैं, लेकिन क्या होता है उनके होते हुए भी कुछ नहीं होता, और आखिर में कहते हैं कि आए उस्ताद हम हलाक हुए जाते हैं, तुझे हमारी फिक्र नहीं। यीशु मसीह कश्ती में सो रहे हैं उनके साथ, और यहाँ बड़े जबरदस्त रिमार्क्स आते हैं, आए उस्ताद हम हलाक हुए जाते हैं और तुझे हमारी फिक्र नहीं। क्या यीशु को हमारी फिक्र नहीं? हाँ जी एड्रेस साहब,
है यीशु मसीह को जितनी हमारी फिक्र है उतनी फिक्र किसी को नहीं, और यीशु मसीह हमारी फिक्र करता है और फिर भी हम फिक्रमंद रहते हैं। मैंने क्या कहा? यीशु मसीह हमारी फिक्र करता है फिर भी हम फिक्रमंद रहते हैं। हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए कौन फिक्रमंद है? यीशु मसीह आपके लिए फिक्रमंद है, यीशु मसीह आपका ख्याल करता है। और जब आप यीशु मसीह के ऊपर अपनी सारी फिक्रें डाल देंगे तो आपकी सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। और ये वो क्या कहते हैं, आए उस्ताद हम लाख में जाते हैं और तुझे हमारी फिक्र नहीं। और जैसे ही यीशु मसीह कश्ती में खड़े होते हैं और तूफान को डांटते हैं और तूफान जो है रुक जाता है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई तूफान है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई मुश्किल और परेशानी है, आज यीशु से कहे कि मेरी जिंदगी का तू सब कुछ बन जा, मेरी जिंदगी का तू ऑनर बन जा, मैं अपना पूरा दिल खुदा तुझे दे देता हूँ और मेरी जिंदगी से सारे तूफानों को खत्म कर दे, सारी मुश्किलों को खत्म कर दे, सारी परेशानियों को खत्म कर दे। और जब आप यीशु से कहेंगे तो यीशु आपकी जिंदगी से हर किस्म के तूफान को खत्म कर देगा। जिस तरह शागिर्दों की कश्ती में खड़े होकर यीशु ने तूफान को डांटा और तूफान रुक गया, इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में कोई भी तूफान है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, आप यीशु नाम से उसको डांटे, उसी वक्त आपकी जिंदगी के अंदर तूफान थम जाएगा, आपकी जिंदगी साकन हो जाएगी, आपकी जिंदगी पुरस्कून हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कलाम मिलता है, एक ही नाम है जो आपकी जिंदगी को कामयाब कर सकता है, एक ही नाम है जिस नाम में कुदरत पाई जाती है, एक ही नाम है जो हमें सारी चीजों से मदद की और रहाई दे सकता है। वो कौन सा नाम है जी? यीशु नाम। और जब हम यीशु नाम को पुकारेंगे, यीशु नाम को हम अपने लिए लेंगे तो जिंदगी भाई से बेहतर बन जाएगी। हिमाल की किताब को जब हम देखते हैं, वहां एक लंगड़ा भिखारी जो है वो हैकल के दरवाजे पे बैठा है और वहां से पतरस और यूहन्ना का भी गुजर होता है, और पतरस और यूहन्ना से भी उसने कहा कि इनसे भी मुझे अच्छा खासा कुछ माल मिल जाएगा, और कहता है कि मुझे कुछ दो। और पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं? हाँ जी, पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं? सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, यीशु नाम से चल और फिर। और आज चर्च की भी ये ड्यूटी है, चर्च की भी ये ड्यूटी है कि जहां भी जाते हैं आप पानी का बपतिस्मा किन किनों ने लिया है? हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने पानी का बपतिस्मा ले रखा है। आप सब ईमानदार हैं, आप सब यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, और जब यीशु मसीह के फॉलोअर हो गए हैं तो आपकी भी ये ड्यूटी है, आप भी जहां जाते हैं आप भी कह सकते हैं सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, आपकी आपकी बीमारी के लिए जो भी बीमारी है उसके लिए मेडिसिन के लिए पैसे तो मेरे पास नहीं, लेकिन एक नाम जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, यीशु नाम से अपनी बीमारी से, अपने दुख से, अपनी परेशानी से रहाई पा जा, तो उसी वक्त वो बीमार जो है यीशु नाम से रहाई पा जाएगा, क्योंकि यीशु नाम से कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम ही पावरफुल नेम है, और आपके यीशु जैसा कोई नाम नहीं। आसमान के तले और जमीन के ऊपर एक ही नाम है जिस नाम के सामने हर कोई घुटना टेकता है, और वो मेरा और आपका यीशु नाम है। और जब आप यीशु नाम से कहेंगे यीशु नाम से चल और फिर, तो वो चलना शुरू करेगा। जब आप कहेंगे यीशु नाम से देख, तो वो देखना शुरू करेगा। यीशु नाम के से सुन, तो वो सुनना शुरू करेगा। तब जब यीशु नाम पे आप मुकम्मल तौर पर बिलीव करेंगे, हम बिलीव ही नहीं करते, हम ट्रस्ट ही नहीं करते, हम कहते हैं चलो देखने कोशिश करके देखने हैं, थोड़े एंड हो जाए। एक नाम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक नाम है जो आपकी जिंदगी को बाई से बेहतर बना सकता है, एक नाम है जो आपकी जिंदगी को बहुत ऊपर लेके जा सकता है,
और वो नाम यीशु नाम है। और जब आप यीशु नाम में आ जाएंगे, आप यीशु नाम में खड़े हो जाएंगे और जब आप यीशु नाम में चलना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी बाइसिकल बन जाएगी। चर्च, आज सुबह मैं आपको यही कहूंगा कि यीशु नाम में बढ़ना शुरू कर देंगे और इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर ले लें कि यीशु नाम जो है वो मेरे और आपके गुनाह दूर कर सकता है। यीशु नाम हमें हर मुश्किल और परेशानी से निजात दे सकता है। और जब हम इस चीज पर बिलीव कर लेंगे, आज सुबह जब आप इस चीज पर बिलीव कर लेंगे, ट्रस्ट कर लेंगे, इस बात पे खड़े हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी डे बडे वाइस बनती चली जाएगी। फिर आपकी जिंदगी के अंदर नाकामी नहीं होगी। एक नाम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो यीशु नाम है। एक नाम है जो आपकी जिंदगी से नाकामी को कामयाबी में बदल सकता है, वो यीशु नाम है। और जब हम इस हवाले को हम देखेंगे लुका की अंजील में, लुका 5:5, एक नाम जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, जो आपकी जिंदगी से नाकामी को खत्म कर सकता है, वो यीशु नाम है। और आप देख सकते हैं इनकी जिंदगियों में, लुका 5:5, शमौन ने जवाब में कहा, आए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। शमौन एक जबरदस्त माहिगीर है और ये अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसको पता है कि कहां मछली है और कहां मछली नहीं। मैं थोड़े दिन पहले एक अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और वो मुझे बता रहा था कि हमने मछलियां पकड़नी थी और अपने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की कि हमें मछलियां खानी है। और उसने कहा कि पुरानी जगह हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि मछलियां कैसे पकड़ी जाती हैं। और उनके साथ एक शख्स था जो माहिगीर था, जो जिसको पता था कि कैसे मछली पकड़ी जाती है, और वो उनके साथ था। और कहते हैं कि वो हमारे साथ गया और उसने सिर्फ एक जगह पे पत्थर फेंका और उसको आइडिया हो गया और उसने कहा इस जगह बहुत मछलियां हैं और यहाँ हम जाल डालेंगे। और वैसा ही हुआ। और मैं जब उस भाई की इस बात को सुन रहा था और मैं इस बात को देख रहा था, मैंने कहा शमौन भी एक जबरदस्त माहिगीर था और उसको भी ये पता था कि किस वक्त हमने जाल डालना है, कहां हमने जाल डालना है और कहां बहुत सारी मछलियां आ जाएंगी। लेकिन ये क्या कहता है कि आई उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की है, सारी रात। हमारी जिंदगियां भी ऐसी होती हैं, हम सारा दिन और सारी रात मेहनत करते रहते हैं और हमें हासिल कुछ भी नहीं होता। हमारी सारी कमाई और कामों में चली जाती है, हमारी कमाई बीमारी में चली जाती है, दुख में चली जाती है, स्कूल फीस में चली जाती है और हमारे बहुत सारे अखराजात होते हैं। और हम भी जब रात को दुआ करते हैं, हम कहते हैं कि खुदा, मैं बड़ी मेहनत करता हूं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। और अपनी जिंदगी को इस जगह रख कर देखिए चौहान क्या कहता है। चौहान ने जवाब में कहा कि उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की है। उस्ताद इनकी कश्ती के अंदर है, मसीह यीशु इनकी कश्ती में बैठा हुआ है और कहते हैं कि तेरे कहने से हम जाल डालते हैं। और जब यीशु के कहने से जाल डाला तो क्या हुआ? हाँ जी, क्या हुआ चर्च? जाल पता है? हाँ जी मेल्स, चर्च क्या हुआ? जाल फटने लगा। और जब हम यीशु की मानेंगे, यीशु के हुक्मों पर अमल करेंगे और अपनी अपने अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदा बरकत दे, अगर आप चाहते हैं आप खुदा की दूरी से प्रॉस्पेरिटी को ले, अगर आप चाहते हैं कि आपका हासिल जो है वो जाया ना हो, आपके लिए देना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी भाई से बरकत बन जाएगी। और फिर आपकी जिंदगी के अंदर हर एक जगह जहां आपने बोया भी नहीं, आप वहां से भी काटेंगे। क्यों?
क्योंकि आप खुदा की बातों पर, आप यीशु की बातों पर अमल करते हैं और खुदा ने हमें यही सिखाया है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जब हम खुदा के लिए देंगे, जब हम खुदा के लिए देंगे तो फिर खुदा हमें ब्लेस करेगा। और यहाँ देखते हैं कि उन्होंने सारी रात मेहनत की है, सारी रात मेहनत करते रहे हैं लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु उनकी कश्ती में आ गया है, जब उन्होंने यीशु के लिए अपना दिल खोल दिया है, जब यीशु उनके पास आ गया है तो फिर उनके जाल फटने लगे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदा बहुत ज्यादा ब्लेस करे, आप चाहते हैं खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, तो फिर यीशु को अपनी कश्ती के अंदर ले लें, यीशु को अपनी बोट के अंदर ले लें, यीशु के साथ चलना शुरू करें और यीशु आपकी जिंदगी को बदल देगा। I am so much calling